फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उषमा। तो आज जो बनाने जा रही हूँ वो है उड़द। तो मैं स्पाइसी डिलीशियस इजी रेसिपी है, मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो मेरे लहसुन, दो बड़ी बड़ी प्याज और लहसुन, अदरक का पेस्ट है जो मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ऑयल गर्म कर लिया है, ये दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है। और मैंने 200 ग्राम उड़द लिए हैं। तो सबसे पहले मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें आधी प्याज जो है मैंने कट करके रख रखी थी उसे मैं फ्राई करूँगी पहले। ये देखिए इस तरह से, तो हो चुकी है मेरी फ्राई प्याज। तो मैं इसमें 1 किलो मटन ऐड करूँगी। तो फिर नमक डाल के मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग। आप कम बढ़ती जितना हो आप खाएं उसके मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैंने इसको नमक डाल के मैं इसे कुछ तरह देर तक ऐसे ही फ्राई करूंगी गोश्त को। इसमें डाल दूंगी अभी पेस्ट लहसुन प्याज और अदरक का। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच, एक चम्मच से डालूंगी मैं हल्दी पाउडर क्योंकि इसमें उड़द में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है। 1 चम्मच डाली मैंने कश्मीरी मिर्च और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कम से कम इसे 5 से 6 सीटी दिलाऊंगी ताकि मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसमें करूँगी मैं थोड़ा सा पानी ऐड ताकि मेरा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये हैं 200 ग्राम उड़द। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 2 चम्मच, करूँगी तेज़ पत्ता ऐड, देखिए 3 से 4 इस तरह से, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक जितना आपका स्वाद के अनुसार ही नमक आप इसमें ऐड करें। उसमें पानी अपने हिसाब से डालें और इसको सीटी लगाने के लिए मतलब गलने के लिए रख दीजिए। फ्रेंड्स देखिए मैंने प्रेशर लगा दिया है और मेरा गोश्त गल चुका है। अब इसे थोड़ी देर और भूनूंगी, कम से कम 5 से 7 मिनट और भूनूंगी इसे अच्छी तरह से। इधर फ्रेंड्स मेरे राइस हो रहे हैं तैयार। तो इस गोश्त में मैं थोड़ा जब भी भुन गया है तो इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा, बड़ी इलायची, 2 लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स करी है बड़ी इलायची, मैंने थोड़े दाने भी इसके अंदर गोश्त में मिला दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे देखिए चावलों में उबाल आने लगा है। जब ये अच्छी तरह से बन जाएंगे तो मैं इसके पानी जो है पीस इसकी निकाल लूंगी। ताकि मेरे चावल बने खिले खिले और टेस्टी। फ्रेंड्स मेरे चावल रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैं इसके जो ये पानी है ये निकालूंगी, यानी पीच निकालूंगी इसकी, इसे मांड भी कहते हैं। ये देखिए मैंने पानी निकाल चुकी है इसका। अब मैं इसे कम से कम 1 मिनट गैस स्लो पर रखकर मतलब इसे चावल को दम दूंगी और मेरे चावल रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड हो चुका है 1 मिनट और ये देखिए मेरे चावल बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स मेरे ये उड़द अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा घोट लूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चलाकर।
तो फ्रेंड्स ये मेरा गोश्त जो पूरी तरह से पूरी अच्छी तरह से भुन चुका है, अब मैं इसे उड़द में ऐड कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको अच्छी तरह से इसको गोश्त की ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे कम से कम मैं 2 से 3 सीटी और दिलाऊंगी ताकि अच्छी तरह से रेडी हो जाए। फ्रेंड्स इसमें 1-2 प्रेशर और लगाऊंगी उड़द में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे उड़द रेडी हैं, अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये बारीक अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च काट ली है जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरे रेडी है उड़द चावल, तो मैं इसकी थोड़ा सा डाल दूंगी इस पर गार्निश के लिए हरा धनिया ऊपर से एक बार और। इधर मेरा राइस भी तैयार हो गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये उड़द की चावल की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद करना और प्लीज़ इसमें बिल्कुल भी कंजूसी हो ना करें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, औरों को भी शेयर करें ताकि और लोग भी मुझे मेरी वीडियो देख सकें।